अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर विलर्स, इधर थल जीप रैली में हमें बड़े डिफरेंट किस्म के लोग नजर आए। इधर रैली में बहुत सारी पब्लिक उधर रैली को एंजॉय कर रही है। हमने कुछ लोग देखे कैंप में, वो अंदर कैंप के अंदर आराम कर रहे थे, हमने उन्हें डिस्टर्ब किया, तो उनसे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताएं कि आप किस किस सिटी से हैं और अपना इंट्रो बता दें और अपने कंपेनियन जो भी हैं। मेरा नाम जवाद अली गिलानी है, खांसी के लिए माजरत। मेरा नाम तल्लुक सियालकोट से है। मेरे साथ जो मेरे कंपेनियन आए हैं, एक भवाना से, एक सवात से और एक गोजरा सिटी से हैं। तो मैं सियालकोट से आया था बाइक पे, 150 सुजुकी, और बाकी तीन भाइयों ने मुझे फैसलाबाद से ज्वाइन किया था। अच्छा। तो हम फैसलाबाद से राइड करते हुए एक ही रात के अंदर लगातार हम राइड करते हुए यहाँ पहुँचे थे। तो सुबह के पहले हमने स्टार्टिंग पॉइंट पे सीन्स वगैरह कैप्चर किए, वीडियो वगैरह कैप्चर की। उसके बाद हमें आगे टेंट पिच किया यहाँ पे, फिर हम गए आगे ट्रैक के ऊपर। अच्छा, वहाँ पे टेस्ट किया। ट्रैक पे ऊपर भी गए, वहाँ पे हमने वीडियोस वगैरह बनाई। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्द थी जिसकी वजह से हमें खांसी आपके सामने ये मास्क वगैरह यूज़ किया हुआ। तो अभी बस ये रेस्ट की गर्ज से लेटे हुए हैं, क्योंकि रात को फिर उठना है और रात को कोई और इवेंट वगैरह होगा, वो इन्जॉय करेंगे। जो यहाँ पे हमारे बैक में हमारे साहब सुल्तान साहब का टीम सुल्तान का कैंप है, और आसपास और भी कैंप लगे हुए हैं। तो हमने उन्हीं के आसपास ने एक फ्लैट जगह देख के, पास ही फिनिश पॉइंट था, बड़ा अच्छी, स्टार्टिंग बड़ी अच्छी था। यूनिक सी लोकेशन। और सुबह जब हम यहाँ पे ऐसे कोई भी नहीं था, तो हमने मौके को निमट जाकर यही टेंट पिच कर लिया अपना। तो खाने का यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं, हमने खाना कोई साथ नहीं है, कुकिंग का कोई हमारे पास सीन नहीं है, हमने यहीं से किया है। तो क्योंकि दो बाइक थी काफी, अलबत्ता मौसम की नज़ाकत को देखते हुए हमने रजाइयाँ, कंबल, जो चीज़ हमें मिली हम उठा के ले हैं। अच्छा, बाइक्स पे। अच्छा, वैसे किस तरह शौक आया राइडिंग का बाइक पे ऊपर इतना लंबा सफ़र? और एक्चुअली ये बाइक मैंने आज से तकरीबन 6 माह पहले खरीदी थी, इसी पर्पज़ के लिए खरीदी थी कि मैं इस पर राइडिंग वगैरह करूँ। जीप रैली पे पहले भी जाते थे, लेकिन पहले दोस्तों के साथ जाते थे, जीप्स के ऊपर जाते थे, लेकिन बाइक पे ये मेरा पहला एडवेंचर है जीप रैली के ऊपर। थल का भी पहला एडवेंचर है, पहले चोलिस्तान जाते थे, लेकिन थल का पहला एक्सपीरियंस था। दोस्त थे साथ, ये दोस्त भी मेरे मिजाज जैसे ही हैं, कंप्रोमाइजिंग है, हर तरह के माहौल में एडजस्ट हो जाने वाले, रेत के ऊपर भी सोना पड़ेगा, ये उस पर भी सोने वाले हैं। तो जब हम मिजाज दोस्त हों साथ, तो फिर कोई सवारी नहीं देखी जाती, बस इरादा बनाया और निकले। अभी भी हमारे पास चीज़ें पूरी नहीं है, बस क्या बेसिक बेसिक चीज़ें थी वो ली है, बाकी निकल गए, हमें कहा देखी जाएगी रास्ते में। अच्छा, आप थोड़ा सा बाइक के बारे में हमें बता दें, थोड़ा सा इसका टूर करवा दें, इसमें कौन कौन सी मॉडिफिकेशन की हुई है, चेंजेस की हुई है, मतलब बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है किसी राइडर के लिए। आप मतलब सफर में चीजें सीखी होंगी, ये चीज़ भी मैं कर लेता, ये भी कर लेता, उस हवाले से। बाइक में मैंने बड़ी बेसिक मॉडिफिकेशन की हुई है, इसमें कोई ज़्यादा खास मॉडिफिकेशन नहीं है। लोग करवाते हैं, काफ़ी ज़्यादा करवाते हैं, लेकिन मैंने जो बेसिक मेरी मुझे ज़रूरी लगी, नेसेसरी थी, वो मैंने की। सबसे पहले तो मैंने इसका एक हाई स्ट्रेंथ ये सेफ गार्ड लगवाया, ठीक है, और ये एक्सीडेंट टेस्टेड है। अच्छा, ठीक है, इसने मुझे भी बचाया और गाड़ी को भी बचाया, ठीक है। उसके बाद मेरा तल्लुक चूँकि सियालकोट से है, मैं डेली ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस के बाद मैंने पास मेरा गाँव है, मैंने वहाँ पर ट्रैवल करना होता है, तो ना आगे से ट्रैक्टर वाले, बसों वाले, रेंट की करोला वाले, सुजुकी के बुलान वाले जो है ना, ये लाइट नहीं आगे से डिम करते, तो इनका इलाज करने के लिए मैंने ना एक्स्ट्रा लाइट्स लगवाई थी। अच्छा, यहाँ पे भी लगी हुई हैं दो? जी, दो मैंने हैंडल पे लगाई हैं, दो बम्पर पे हैं, और दो ये नीचे नंबर प्लेट के पास हैं, क्योंकि ये रात को भी बड़ी ज्यादा विजिबिलिटी देती हैं और धुंध में भी। उसके अलावा अगर किसी को सबक सिखाना हो तो सारी ऑन कर देते हैं वो, फिर ठीक है। और इसके अलावा ये लाइट की सेफ्टी के लिए फ्रंट पे आपने? हाँ जी, क्योंकि मेरी बाइक है सुजुकी GS 150। व्यूअर जो देख रहे होंगे, अगर जिन्होंने रखी होगी उन्हें पता होगा इसकी हेडलाइट का इशू आता है। जब मैंने ली थी, मैंने लेते साथ सबसे पहले जो काम किया था, मैंने इसकी हेडलाइट चेंज करवा दी थी। मैंने जनाडो ताइवान की लाइट जो है, मैंने वो इसमें इंस्टॉल कर दी थी, और ये इंस्टॉलेशन मेरी इतनी मुफीद साबित हुई है कि अभी तक, यानी कि मेरा 10,000 किलोमीटर होने वाले हैं, मैंने जून में बाइक ली थी और अभी तक इसका फ्यूज़ नहीं जला। अच्छा, वही लाइटिंग चल रही है सारी, सारा कुछ, सिर्फ मैंने एक लाइट हेडलाइट चेंज कर दी। और टायर्स आपके स्टॉक पर? जी, अभी स्टॉक टायर चल रहे हैं, इंशाल्लाह मैं आगे जाके बेहतरीन बेहतरीन। बस ये है कि जरा सैंड के अंदर जो है ना, ये टायर इतना परफॉर्म नहीं करते, बाकी सैंड के लिए टोरिंग टायर, बाकी एक जरा हार्ड ग्रेवल हो ना, जरा हार्ड जो सैंड होती है, ये मड होती है, उस पर ये टायर मैं रॉक करते हैं बिल्कुल। और बाकी ऑन रोड भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छी ग्रिप है इनकी। इसके अलावा मुझे माउंट सा नजर आ रहा है, विच शोज कि आप ब्लॉगिंग वगैरह भी करते हैं तो। जी जी, एक्चुअली आपको पता है कि आजकल ना, जब आपने कैमरा के साथ शूटिंग करनी होती है मोबाइल पे, तो बैटरी बड़ी जल्दी ड्रेन कर जाती है, तो उसके लिए एक अच्छा साथ में मैंने चार्जर भी था
और साथ में मोबाइल होल्डर भी था। इसमें मैंने थोड़ी सी असम्बली की थी, ज़रा चेंजिंग की थी कि जब चार्जर लगाते हैं ना मोबाइल होल्डर तो वायर एक परमानेंट लगानी पड़ती है, तो मैंने उसके अंदर ना एक ग्रिप सी लगा दी कि जब मैंने लॉन्ग रूट पर जाना है तो मैं उसे यूज़ कर लूँगा, अदरवाइज डेली राइड में मैं नहीं यूज़ करता ये। ठीक हो गया। और इसके अलावा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक है इस बाइक? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं तस्वीरें दिखा सकता, इसके ऊपर दो रजाइयाँ, बैग और क्या कहते हैं कंबल बांधे हुए थे इसके ऊपर, वहाँ उसके पीछे टेंट था, उसके आगे मैं टैंकी पे बैग रखा, दो लड़के बैठे हुए थे और मतलब हम लोग फैसलाबाद से हैं इसके ऊपर बैठ के। बाइक ने माशाल्लाह इसके सस्पेंशन जो है, हाँ जी एक चीज़, मैंने ना इसके बैक गार्ड लगाए थे, इस बाइक को मैंने यहाँ पे बैक सेफ गार्ड लगाया था जो कि यहाँ से शुरू होता था और यहाँ पे जाके जुड़ता था। ठीक है, लेकिन वो मैंने उतार दिया। क्यों? क्योंकि वो जो था ना इसकी सस्पेंशन को इतना अफेक्टिव नहीं था करता है, उसकी वजह से गाड़ी ना सस्पेंशन का, हाँ जी हाँ जी, तो वो मैंने उतार दिया। उसके बाद सस्पेंशन इतना सॉफ्ट हो गया, इसके साथ नहीं कोई खड्डा, कोई आपने रास्ता देखा ही होगा जो शोरकोट से आगे आता है, बिल्कुल गढ़ महाराजा वाली साइड पे टूटा सारा रास्ता, उसके अंदर आराम से 90-100 की स्पीड में हम लोग। बड़ा जबरदस्त। एक बार कैंप, अपने कैंप का थोड़ा सा टूर दे रहे हैं। हाँ जी वो आप कर लें जी, इसमें कोई इतने ज़्यादा कमरे नहीं है, नहीं हमारा मरकजी दाखिले का दरवाज़ा है जी। जी इस दरवाजे को पार करते साथ आप हमारे टेंट में दाखिल हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आपको इलाका नज़र आएगा उसमें हमने एक जगह जूते उतार रखे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने फौरी तौर पे अपने जो हमारे सारे हैं हेलमेट वो उतारे हुए हैं, उसके बाद जितनी भी एक्सेसरीज हैं हमारे पास, ट्राईपॉड स्टैंड एक्सेट्रा, वो यहाँ पड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हमने अपने आराम करने की जगह बनाई हुई है, आरामगाह आपकी जी, आगे हमारी आरामगाह है और ख्वाबगाह कह लें, आरामगाह कह लें, वो हमने नीचे बिस्तर वगैरह बिछाए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये टेंट जो मुख्तलिफ पोर्शंस पे मुश्तमिल है। ठीक है, और अपने यूट्यूब चैनल का नेम भी मेंशन कर दें अगर व्यूअर्स देखना जी। मैंने हाल ही में एक माह पहले यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है सिर्फ इस बाइक की वजह से, राइडिंग के लिए, तो उसका नाम है द इन्वेडर्स एंड एक्सप्लोरर्स। ठीक है, तो व्यूअर्स वो आप चैनल लाजमी चेकआउट कीजिएगा यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक पे भी आई गेस होगा, और जिसपे अपना ये बाइक राइडिंग और जितने भी टूर्स करते हैं उसका सारा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। अल्लाह हाफिज़।